नमस्कार, अपना परिवार में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ पत्ता गोभी का पकौड़ा। जो चाय और ऐसे भी आप खा सकते हैं, स्नैक्स के रूप में ले सकते हैं। तो मैं इसको कद्दूकस कर लिया है बिल्कुल बारीक तरीके से। बहुत इजी है बनाना। तो सबसे पहले इसमें हम ये मैंने ले लिया है 250 ग्राम कद्दूकस मैंने कर लिया था। अब इसमें हम डाल रहे हैं बेसन, 2 चम्मच बेसन डाल रहे हैं। अगर कम पड़ेगी तो ऑर्डर डालेंगे। उसके बाद इसमें हम मसाला ऐड करेंगे, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर। अब सारे को हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें थोड़ी सी हम हरी मिर्ची और धनिया काट के डाल लेते हैं। इसमें मैंने 2 चम्मच बेसन और मैंने 2 हरी मिर्च काट लिया है। थोड़ा सा इसमें हम तेल डाल देते हैं, 1 चम्मच के लगभग। मैं थोड़ा सा इसमें लहसुन 1-2 कलियां इसमें मैंने डाल दिया है। अब इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। बहुत टेस्टी लगेगा। आप दाल चावल सब भी खा सकते हैं, स्नैक्स के रूप में भी इसको ले सकते हैं और सुबह शाम को चाय के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। ये मैंने कढ़ाई चढ़ा लिया, इसमें तेल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम छोटा छोटा बना के इसमें छोड़ देते हैं। ये बना दिया इस तरह से बना के। अगर आप चाहते हैं इसका कोफ्ता भी इसे बना के और इसका सब्जी भी आप बना सकते हैं। सब्जी भी इसका बहुत अच्छा बनता है, इसका आप भुजिया भी बना सकते हैं पत्ता गोभी का। तो ये हमारा पकौड़ा तलना स्टार्ट हो चुका है। मैंने सारे पकौड़ों को पलट लिया है और गैस को मैंने लो फ्लेम पर बिल्कुल रखा है जिससे अंदर तक ये पक जाए अच्छी तरीके से। देखिए हल्का सुनहरा कलर आ चुका है, बनकर तैयार है। ये देखिए हमारा पकौड़ा बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह बनाइए और खाइए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।